मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है अनाचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है करप्शन, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विनाशकारी नीति, और कांग्रेस पार्टी का मतलब है परिवारवाद, परिवारवाद, वंशवाद। ये कांग्रेस की पहचान है। जहां कांग्रेस होगी वही भ्रष्टाचार होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बोलो मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पीछे से आवाज आनी चाहिए, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और जब भारतीय जनता पार्टी की बात बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ इलाके के विकास के लिए, समाज सेवा के लिए जुट जाना, यह उसका मतलब है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों के हितों में काम करना, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास को आगे बढ़ाना। अब मैंने आपको बताया दो तरफ खड़े हैं, एक तरफ विकास के लिए बीजेपी और एक तरफ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीतियों के साथ कांग्रेस। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आपकी चिंता करती है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने हितों की और भ्रष्टाचार की चिंता करती है, लूट की चिंता करती है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सबको मालूम है ना कि पनडुब्बी घोटाला कांग्रेस पार्टी के टाइम पर हुआ था, मालूम है ना? मालूम है क्या आपको? मालूम है कि उसी तरीके से हेलीकॉप्टर खरीद का घोटाला कांग्रेस के टाइम पर हुआ था? क्या आपको मालूम है ना कि कोयला घोटाला कांग्रेस के टाइम पर हुआ था? आपके ध्यान में है ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला कांग्रेस के टाइम में हुआ था? आपको याद है ना कि मनरेगा में भी घोटाला कांग्रेस के समय में हुआ था?